नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुति आज फिर आप सभी का कॉम्प्रिहेंटिवली चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी का हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है और उसमें से एक फीडबैक हमें ये बताया गया कि हम एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी शुरू करें। तो उसी फीड को मद्देनजर रखते हुए हमने एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज किन किन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट्स, दूसरा वो स्टूडेंट्स जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक की, एसएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और डिफेंस के एग्जाम, सीडीएस, एफकैट, ठीक है। और बाकी उन्हीं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, जैसे बीबीए, बीसीए और जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एलएलबी का, एमबीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें ये इंग्लिश ग्रामर आपको हेल्प करेगी, ठीक है। चौथे वो लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब मैं आपको इसका शेड्यूल बताना चाहूंगी कि हम किस सीरीज में अपनी इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कवर करेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब, देन टेंसेस, उसके बाद वॉइस और फिर नरेशन। ये फिलहाल का शेड्यूल है, इसमें और भी बाकी टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है, ठीक है। तो अगर आप भी अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज है ये आपके किसी फ्रेंड को हेल्प कर सकती है इंग्लिश ग्रामर सीखने में, तो उसके साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा और उसको सजेशन दीजिएगा कि वो इसको सब्सक्राइब करे, ताकि उसका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, थैंक यू।